वेलकम बैक टू माय चैनल कंस्ट्रक्शन नीड्स। दोस्तों आप लोगों के पास आज थर्मोप्लास्ट का वीडियो लेके आ गया हूँ। देखिए रोड पेंटिंग कैसे होता है, वो जो पेशाली रोड पेंट कर रहा है हमारा कॉलिक शुभम जी, वो आपको पूरा बताएगा कैसे हो रहा है, क्या फंक्शन रहता है इसका, ठीक है। उसका पहले अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे टाइप का प्रैक्टिकल वीडियो लेने के लिए, और आइकन भी ऑन कर दीजिए कैसे टाइप का कुछ भी एक्सप्रेस हो इसका कैसे रहता है आपको मैं इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग देखते रहिए, ठीक है, वीडियो के आगे तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम ब्रह्मभट्ट है, मैं मिस्टर थापस सिंह जी का कलीग्स हूँ। एक्चुअली मैं अभी थर्मोप्लास्टिक देख रहा हूँ, ये अपना भारतमाला है, 8 लेन एक्सप्रेस वे है, इसमें फोर लेन में अपन ने डिवाइड किया है। एक्चुअली थर्मोप्लास्टिक का मतलब मेनली कुछ नहीं है, इसका मतलब है अपन को लेन में डिवाइड करना है। अपनी सेंटर में 3 लेन है जिसको अपन ओवरटेक्स कर सकते हैं, आउटर में सिंगल लेन है जिसके पार अपन को नहीं जाना है, इधर भी अपन एक कंटिन्यूसली लेन कर रहे हैं जिसके पार अपन को नहीं जाना है। ये पेपर मशीन है, बॉलर में हीट करता रहता है, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसका लाइन टेम्परेचर है 165 to 180, जो कि हम टेम्परेचर मीटर से देखते रहते हैं बार बार। ये लेइंग हो रही है यहाँ पे, ये दोस्तों स्ट्रेट पोर्शन है, इसलिए इसमें 1.5 मीटर का पट्टा है और 4 मीटर का इसमें गैप है। अगर कर पोर्शन सुपरलेशन पोर्शन आ जाएगा अपना तो 1.5 मीटर का ही पट्टा रहेगा और 1.5 मीटर का ही गैप रहेगा। इसकी विड्थ है 200 mm, इसकी थिकनेस है 2.5 mm और ये 1.5 mm इसकी लेंथ है। ये अपना स्ट्रेट पोर्शन है, इसलिए इसमें ये देखिए दोस्तों 4 मीटर का गैप है। ये अपने TS पॉइंट दे रखे हैं जिसके थ्रू अपन ये मार्किंग ले रहे हैं। 3.75 की 4 लेन अपन ने डिवाइड किए हैं। 3 मीटर का हमारा पेव शोल्डर है, 0.75 का हमारा साइनस है। ऐसे करके भारतमाला में 18.75 टोटल एक साइड का डामर लिया गया है। ये इसमें दोस्तों ग्लास गिट भी यूज़ किया है जिससे रात के समय ये रिफ्लेक्ट करे। इस ये ग्लास गिट जो यूज़ कर रहे हैं इसका बेसिकली फॉर्मूला ये है, एक अकॉर्डिंग टू कोड IRC 35 के हिसाब से इसको अपन को 1 मीटर स्क्वायर में 250 kg से एबव लेना है, जो कि अपन वेट करके इजीली मेजर कर लेते हैं। और ये थर्मोप्लास्टिक की रही बात, ये 1 मीटर स्क्वायर में अपना 6.5 से 7 kg के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे में इसमें वोइड्स ज़्यादा होते हैं इसलिए इसमें वेट ज़्यादा लगता है। अगर यही BC होती तो वो 5 kg के अराउंड में ये कवर कर लेती। ये थर्मोप्लास्टिक आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है अपन को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, 200 से ज़्यादा रहेगा, तो भी अपना मटेरियल पीला पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और टेम्परेचर कम भी रहेगा तो भी ये प्रॉपर इसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसमें टेम्परेचर का बहुत अहम रोल है। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, सफाई का मेन रोल है। इसमें ऑयल, ग्रीस, गोबर, मिट्टी ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों की लेयर के बीच में कोई तीसरी लेयर नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीसरी लेयर आई, जैसे कि ऑयल आ जाएगा अपना, ग्रीस आ जाएगी, और पानी को भी अपन को सुखाना है या फिर मिट्टी आ जाएगी, तो वो भी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना है। ये हमने ब्रूमर चलवा रखा है, कंप्रेसर चलवा रखा है, इसके बाद ये बंदा सफाई कर रहा है, इसके बाद ही लेइंग करें। अगर कुछ मिट्टी वगैरह है ये है तो लेइंग स्टॉप कर दें, कोई मतलब नहीं निकलेगा, वाहन चलेंगे ओवरलोडेड, पूरी अपनी पट्टी निकल जाएगी। इसके पास वॉइड्स से अंदर से पूरा माल निकाल देता है। इसमें पहले की मार्किंग का ऐसा होता है दोस्तों, पहले अपन TS से पॉइंट ले लेते हैं, 3.75 3.75 3.75, जो कि अपनी एक लोन होती है, उस हिसाब से 4 लेन में उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन मार लेते हैं अपन चूने से, उसके बाद 1.5 में अपन लेइंग कर रहे हैं और 4 मीटर का गैप है, तो वो गैप अपन पहले से चौक से मार्किंग कर सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए, था बस यहाँ पे आगे की तरफ ये लेन अपन ने पूरा मार रखा है। TS से पहले अपने पास ऑप्शन है, ये बिंदी है TS की है, इसके थ्रू 100 mm साइड और 100 mm साइड लेते हैं। ये सेंटर में है, ये सेंटर पॉइंट है अपना थर्मोप्लास्टिक का। ये दादा सफाई करते हुए चल रहे हैं, इसमें बेसिकली सफाई का बहुत अहम योगदान होता है। ये ऊपर के हिसाब से अपना माल लेते जाते हैं। हाँ, इसमें टेस्टिंग, इसमें अगर अपन को देखना है, इसमें मेनली टेस्टिंग, 3 टेस्टिंग मेन है इसमें। फर्स्ट टेस्टिंग है अपना टेम्परेचर,
जब अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन को टेम्परेचर चेक करना है, 165 से 180 जरूर मिले, वो टेम्परेचर मीटर से निकल जाता है। और इसका एक होता है ग्रिड चेक करना, तो ग्रिड के लिए अपन क्या करते हैं 5 मीटर लेंथ ले लेते हैं, इंटू 0.2 उसकी विड्थ हो गई 1 मीटर स्क्वायर में, उसमें एक पोलिथीन लगा के उसका वेट ले लेते हैं और उसको वेट कर लेते हैं, 250 ग्राम से ज़्यादा ही होना चाहिए। थर्ड टेस्टिंग इसका है थिकनेस, जो कि अपन एक पेपर लगा लेते हैं, पेपर के ऊपर अपन एक हल्का लेइंग करते हैं, लेइंग से उसको थोड़ा पानी सुखाते हैं, फिर वर्नियर कैलिपर से उसका थिकनेस चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3 टेस्ट के बारे में बताया था। पहले टेस्ट है अपना टेम्परेचर मेजरमेंट, जो कि अपन थर्मोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। आइए दिखाता हूँ, ये बॉयलर है, ये 165 से 80 180 के आसपास होना चाहिए, 200 एबव भी नहीं निकलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, 171-172 के आसपास आ रहा है, जो कि प्रॉपर है। ये 165 बिटवीन 165 एंड 180 के बीच में रहना चाहिए, अबव 200 भी नहीं जाना चाहिए। तो साफ कर, ये देखिए आप, ये बीच बीच में अपन को चेक करना है, कम ज़्यादा ना रहा है। ये तो फर्स्ट टेस्ट हो गया दोस्तों, अब अपन आते हैं सेकेंड टेस्ट पे, जो कि होता है थिकनेस मेजरमेंट, जो कि अपन ऐसे टेप लगा लेते हैं, ये अपनी लेइंग पट्टी यहाँ तक रहेगी, इसके आगे अपन इसके ऊपर लेइंग करेंगे और इसको निकाल लेंगे, फिर वर्नियर कैलिपर से इसकी थिकनेस चेक करेंगे। ये टेप से अपन निकाल लेंगे, इवन साफ कर दो मुन्ना, अगर माल गिर जाता है वेस्टेज तो अपन को तुरंत उसको साफ करवाना है, नहीं तो अगर वो प्रॉपर थिकनेस पकड़ लेगा तो कभी छूटेगा नहीं। उसको ठंडा करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से धो लेंगे जिससे कोल्ड हो जाए। लो इसको, निकालो बनने के लिए, बीच में से ब्रेक कर लेंगे दोस्तों उसको, इससे प्रॉपर इक्विवेलेंट थिकनेस मिले अपन को। ये पेपर पीछे हटा लेंगे,
ये है वर्नियर कैलिपर्स अपना। इसको ऑन करके जीरो सेट कर लेंगे। चार पांच जगह इसका लेंगे, इधर आ रहा है 2.9, यहाँ लेंगे। जैसे कि अपन ने ढाई ढाई एम रख रखा है अपना क्राइटेरिया, तो ढाई से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये 2.67 आ रहा है, ये यहाँ देखेंगे दोस्तों। बेसिकली ज़्यादा ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा है। एक्चुअली इसको एक्स्ट्रा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि ये फूल जाएगा, इसमें पपटी पड़ जाएगी। तो ढाई सेट किया है, 2.6 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों ये। और एक दो जगह और इसको चेक कर लेते हैं, ये 2.5, ये सही, ये 2.5 तो लीजिए, रखिए। ये बॉयलर का और बता देना, आगे था ये बॉयलर है जिसमें अपना मटेरियल मिक्स होता है। थर्मोप्लास्टिक बेसिकली पाउडर फॉर्म में आता है, इसमें 30 kg के अराउंड कैपेसिटी है हीटिंग करने की और रोटेटिंग की, घुमाने की, मिक्सिंग करने की। इसमें 300 kg जैसा मटेरियल आ जाता है। इसमें एक अपना मॉर्निंग मतलब डेली का अपना 60 kg का टारगेट, 60 bag का टारगेट है। वन बैग में 25 kg मटेरियल आता है, ऐसा करके 1575 टोटल kg मटेरियल आता है जो अपन दिन भर में कंज्यूम करते हैं, जिससे 3 किलोमीटर अपना एक पट्टी जाती है। मतलब बोथ साइड लें अपन को 500 मीटर एक दिन में हो जाता है। ये बॉयलर कंटिन्यूसली हीटिंग करता है और मिक्सिंग करता है, जिसके थ्रू अपन मटेरियल कन्वेयर उसमें ले लेते हैं कन्वेयर में। और कन्वेयर की कैपेसिटी है 75 kg, तो 300 kg इसकी कैपेसिटी है, 75 kg उसकी कैपेसिटी है। धन्यवाद शिवम जी आपने इतना नॉलेज देने के लिए। नहीं नहीं, ये तो कर्तव्य है, एक इंजीनियर अगर दूसरे इंजीनियर को सिखाएगा तो ऐसे जूनियर इंजीनियर आगे कैसे बढ़ेंगे। जो मुझे आता है मैं अपने जूनियर को दूंगा, जो मेरे सीनियर को आता है वो मुझे देंगे, इस हिसाब से देश आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी। अगर अपन एक दूसरे को नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो आदमी तो वहीं के वहीं रह जाएगा, तो आदमी की तरक्की कैसे होगी, देश की तरक्की कैसे होगी। ये तो मेरा फर्ज बनता है और मेरे सीनियर का भी फर्ज बनता है कि वो मुझे सिखाए, और मेरा ये फर्ज बनता है मैं मेरे जूनियर को सिखाऊं। ये तो चेन सिस्टम है थापस जी, आप मुझे नहीं सिखाओगे तो आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, तो मतलब जीरो हो जाएगा। अगर आप एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, रोड भी आगे बढ़ेगा, हर चीज़ आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।